नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर रायबरेली से। ठगी के मामले में युवक के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद, युवक ने दिखाया बैंक ट्रांजैक्शन लिस्ट। दरअसल मामला रायबरेली के थाना क्षेत्र में मिलेरिया ग्राम राही का है, जहां धर्मेंद्र सोनकर स्वास्थ्य विभाग में फोर्थ क्लास में कार्यरत है, जहां 5 लोगों ने धर्मेंद्र सोनकर के ऊपर ठगी का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र सोनकर मानसिक रूप से बहुत परेशान है। आज वह अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि 5 लोगों ने हमें पैसा दिया था, लेकिन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमने सबका पैसा वापस कर दिया, जिसका सबूत हमारे पास है। उन्होंने बताया कि लगभग हमने 1,30,090 रुपए अभी तक दे दिए हैं, उसके बावजूद भी यह 5 लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसा लिया है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पूरा ट्रांजैक्शन कर दिया है और बाकी जो कुछ भी पैसा बचा हुआ है वह भी हम जल्दी वापस कर देंगे। पीड़ित ने मीडिया से रूबरू होते हुए यह स्वीकार किया कि 5 लोगों ने हमें पैसा दिया, लेकिन हमने बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 5 लोगों को पैसा वापस कर दिया। पीड़ित मानसिक रूप से बहुत ही परेशान हुआ है। दरअसल यह 5 लोग का आरोप है कि धर्मेंद्र सोनकर ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम से हम लोगों से हजारों रुपए लिए थे, जिसका समय लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन हम लोगों की नौकरी नहीं लगी और साथ में पैसा भी डूब गया। जहां उसके विपरीत धर्मेंद्र सोनकर से जब बात की गई तो उन्होंने सारे प्रूफ दिखा दिए कि हमने बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से इन 5 लोगों को पैसा वापस कर दिया। हालांकि कुछ पैसा बचा हुआ है वह भी हम जल्द से जल्द वापस कर देंगे। अपना पर्चे बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार सोनकर राही। कौन सा थाना लगता है? मेल एरिया। क्या समस्या है आपको? सर, समस्या इस चीज़ की है कि पैसा हमको देते उस समय विज्ञापन द्वारा जो है निकला था जगह से वो ऑफिस से, तो इन्होंने जो है कहा तो 5 लोगों को फॉर्म हमने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें ये लोग 11,500 रुपये एक लोग का इन्होंने दिया। सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन हमको दिया है, उसके बाद पैसा दिया है, जो भी दिया है हैंड टू हैंड पैसा दिया 5 लोगों को, 11,500 रुपये करके 5 लोगों को पैसा दिया इन्होंने, जो हमने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद हमने जब इन्होंने पैसा मांगा तो पैसा मैं ट्रांजेक्शन द्वारा पैसा दे चुका हूँ। 5 लोगों का आरोप है कि आप 5 लोगों ने आपको पैसा दिया था? जी, पैसा दिया है, मैंने पैसा वापस भी किया। कितना पैसा वापस कर दिया आपने? 1,30,090 रुपये मैंने वापस भी कर दिया है। उन लोगों ने कितना ट्रांजेक्शन किया था आपके पास? ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन थे, 11,000 रुपये का, 1,4,000 का। क्या आप कोई प्रूफ है उसका? जी। क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं हमको परेशान ना करें। अगर परेशान कर रहे हैं, पैसा देने के बाद भी हमको परेशान कर रहे हैं, अगर परेशान कर रहे हैं तो मैं अपना आत्महत्या करूँगा, उसके बाद 5 लोग का आरोप होगा। बता दो घर कब का है? दादी, क्या नाम है आपका? हमारा राम दुलारे नाम। कहाँ रहती हैं? राही। क्या समस्या आ गई आपको? समस्या यह आ गई साहब, हम अपने हाथ से 3,500 रुपये एक दिया, राम सेवक ने कह रहे हैं कि हमको 40,000 रुपये मिला है, हमारा इतना पैसा बाकी है सर, अब हम कहीं भी पाएंगे तब इन्हें देंगे, हम चोरी नहीं करके देंगे सर, आपके सिर झुकाते हैं कि मेरा लड़का लिहिस आ न लिहिस मैंने देंगे, तो आप हमको इतना परेशान मत करें, मेरे लड़का का जहाँ पाते हूँ हमारे का। तो कौन परेशान करता है? राम सेवक के लड़का, राम सेवक। आपने इसकी कहीं शिकायत की थी? नहीं, कहीं नहीं किया साहब, जो उनसे कहा तो कहा भाभी हम तुमको कहाँ गाली दिया, कहाँ मारे, इनका लड़का ने राम। दादी, ये भी सुनाई पड़ा कि आपके लड़कियों को कुछ लोग फंसा रहे हैं पैसे के मामले में, क्या सत्य है? हाँ, ये सच है साहब, पैसा हमारा बच्चा लिए नहीं, हम मर जा महतारी बेटो। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं सुकून से रहें, वो भी हमारा बच्चा भी, जो कर्जा उनके 10,000-20,000-5,000 होगा मैं देंगी। रायबरेली से नरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।